पहले तो सभी यूपी वालों को मेरा सलाम। पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग इतने इत्मीनान से सुन रहे हैं, और हालांकि मैं भी थक गया हूँ थोड़ा पीछे से। मैं दिल्ली से ट्रैवल करके आया हूँ यहाँ पर बोलने के लिए। मैं अकेला तो 60 लोगों को नहीं जगा सकता, लेकिन 60 लोग मिलके मेरे को तो जगा सकते हैं। चलिए, मैं कुछ दो चार लाइनें जो मेरे सबसे पहले जहन में आती है मैं आपको सुनाता हूं कि ऐ मेरे रकीब, कि ऐ मेरे रकीब, मैं बता दूं तुझको, तू चल तो रहा है उसके साथ, लेकिन एक किनारा भी दरिया रोक लेता है। ऐ मेरे रकीब, मैं बता दूं तुझको, तू चल तो रहा है उसके साथ, मगर एक किनारा भी दरिया रोक लेता है। हाँ, वो हंसकर मिलता तो है सभी से, मगर वो आंखों में आंसू रोक लेता है। और आप कुछ एक गजल के कुछ इशारे में आपको सुना देता हूं, आप ध्यान से। लिखा कुछ ऐसे है कि तू चला गया तो क्या, तू चला गया तो क्या, तेरी मोहब्बत के मेरे शरीर में अभी निशान बाकी हैं। तू चला गया तो क्या, तेरी मोहब्बत के मेरे शरीर में अभी निशान बाकी हैं। अभी तो लिखता था सिर्फ गजल तेरे लिए, अभी पूरी किताब बाकी है। और तू मेरी गजलों की रानी है, तू मेरी गजलों की रानी है, हम तेरा पूरा ख्याल रखते हैं। तू मेरी गजलों की रानी है, हम तेरा पूरा ख्याल रखते हैं। मेरी गलियों में क्या रखा है तेरे लिए, मेरी गजलों का पूरा शहर बाकी है। और मैं लिखता हूं तुझे, मैं लिखता हूं तुझे, बेवफा कैसे लिख डालूं, मैं लिखता हूं तुझे, बेवफा कैसे लिख डालूं, तेरा दिल ही तो बहलाता है कोई, किरदार है सिर्फ मेरा, तब तक चलेगा जब तक मेरी कलम बाकी है। और तू इस शहर में जिस चीज को छू ले वो तेरी, इसमें हैरत क्या। तू इस शहर में जिस चीज को छू ले वो तेरी, इसमें हैरत क्या। अभी लिखा है शहर तेरे लिए, लिखने को पूरा फलक बाकी है। और शेर सुनिएगा कि मेरी गजलों में तो तू बहुत मासूम और खूबसूरत नजर आता है, मेरी गजलों में तो तू बहुत मासूम और खूबसूरत नजर आता है, मेरी गजलों से बाहर देखने को तेरी असलियत बाकी है। शुक्रिया। और एक लाइन सुनिएगा कि लिखा कुछ इस तरीके से कि मिलता रहा हूं सभी से सिर्फ तेरी तरफदारी के लिए, मिलता रहा हूं सभी से सिर्फ तेरी तरफदारी के लिए, वरना शौक नहीं है मिलने का मुझे दुनियादारी के लिए। मिलता रहा हूं सभी से सिर्फ तेरी तरफदारी के लिए, वरना शौक नहीं है मिलने का मुझे दुनियादारी के लिए। सिर्फ हुस्नी नहीं और भी खूबियां हैं कई उसमें, सिर्फ हुस्नी नहीं खूबियां और भी है कई हैं उसमें, वो जानता है सिर्फ दुकान ही काफी नहीं दुकानदारी के लिए। और लिखा कुछ इस तरीके से कि मैं फकत उसे चाहता था और चाहा भी नहीं कि वो भी मुझे चाहे, मैं फकत उसे चाहता था और चाहा भी नहीं कि वो भी मुझे चाहे, एक उम्र लगती है मोहब्बत में समझदारी के लिए। और शेर सुनिएगा कि वो भी कब जुदा हो पाया है मुझसे, वो भी कब जुदा हो पाया है मुझसे, ख्वाबों में भी तो मिलता रहा है मुझसे, वो भी कब जुदा हो पाया है मुझसे, ख्वाबों में भी तो मिलता रहा है मुझसे, मैं भी रात भर जागा रहता हूं उसकी ख्वाबों की पहरेदारी के लिए। एक शेर सुनिएगा कि ये मेरा काफी अजीज शेर है, मुझे ऐसा लगता है मेरा बेहतरीन शेर यही है शायद, कि अंधेरों में तो किया होगा रोशन, अंधेरों में तो किया होगा रोशन, मगर उस अंधेरे में जुगनू का क्या हुआ होगा। अंधेरों में तो किया होगा रोशन मगर उस अंधेरे में जुगनू का क्या हुआ होगा। जानता हूं शामें रंगीन थी तेरी, मगर सोच मेरी रातों का क्या हुआ होगा। जिन लोगों की बंदियों की शादी हो गई है और उनका अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा कि लिखा कुछ ऐसा है
कि उस रात बिखरी होंगी तेरी जुल्फे उस पर जब, उस रात बिखरी होंगी तेरी जुल्फे उस पर जब, मेरे कमरे में तेरी जुल्फ सवारती मेरी तस्वीर का क्या हुआ होगा। और लिखा है कि सर्द रातों को ओढ़ा होगा उसने तुझको खुद पर जब, सर्द रातों को ओढ़ा होगा उसने तुझको खुद पर जब, हम जो मुस्कुरा के देखते थे जो तेरे ख्वाब, उन ख्वाबों का क्या हुआ होगा। और माना समेट लिए होंगे तेरे गम किसी ने, माना समेट लिए होंगे तेरे गम किसी ने, एक जो हंसी थी मेरे चेहरे पे उस हंसी का क्या हुआ होगा। और थोड़ा गौर फर शेर देखिएगा कि चूमा होगा उसने तेरे लबों को जब, चूमा होगा उसने तेरे लबों को जब, अपनी शर्ट पे तेरे लबों के निशान का क्या हुआ होगा। और शेर यह है कि तेरे शहर में तो बरसात हुई थी और मेरे शहर में सिर्फ पानी बरसा था, तेरे शहर में तो बरसात हुई थी और मेरे शहर में सिर्फ पानी बरसा था, तेरे शहर में फिर धूप खिली होगी, मेरे शहर का क्या हुआ होगा। धन्यवाद, थैंक यू।